हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो गाइस आदम खेलने वाले हैं ट्रेन जंप सिम्युलेटर। तो गाइस आदम इसमें ड्राइव करेंगे गाइस लक्ष्मी एक्सप्रेस। तो गाइस इसका जो रूट नंबर है 14006, जो कि गाइस सीतामढ़ी से आनंद विहार तक जाती है। तो आज हम वही रूट को हम खेलेंगे। अभी हमें छपरा जंक्शन पे और गाइस राइट साइड से एक बैग 97 पे ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। और गाइस स्टेशन पे गाइस अनाउंसमेंट एकदम इलेक्ट्रिक वाला फील दे देता है। और बाकी गाइस आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में तो गाइस WDT4D के साथ एक ICF ट्रेन या फिर कौन सी कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है। और चलिए, हमको सिग्नल ग्रीन दे दिया है और हमारा डिपार्चर का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो एक लंबा सा हॉर्न देके इससे पहले गाइस एक पेंटोग्राफ अपने ऑन करते हैं। और ये अपना वेब पी सेवन लोकोमोटिव है गाइस, इसका रेगुलर लिंक है लक्ष्मी एक्सप्रेस का। और अपना HCR का लाल ब्लू स्टोर का वेब सेवन मिला है, जिसका कि रूट नंबर 3230246 है। चलिए गाइस हमारा लोको स्टार्ट हो चुका है और हेडलाइट हमने ऑन कर दिया। डिम पर रखते हैं गाइस, तो डिम हमने डिम पे सेट कर दिया। अगर यहाँ से हॉर्न देखकर हम डिपार्ट करते हैं। अगर हमने हॉर्न दे दिया यहाँ पर और एक लंबा सा हॉर्न देते हैं। तो हम डिपार्ट करते हैं छपरा जंक्शन से। अगर आप लोग यहाँ से दूर देखिए और ठीक है गाइस, लेफ्ट साइड से एक और गाइस एक्सप्रेस ट्रेन गाइस हमें क्रॉस करती हुई या फिर इस स्टेशन पे आती हुई दिख रही है हमें। गाइस ये क्रॉसिंग मैं आपको पीछे दिखाता हूँ यहाँ से। ये गाइस क्या कहते हैं इसको, पेंट्री कार है गाइस। और ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट 7 का क्रॉसिंग, ठीक है। अभी छपरा स्टेशन पर एंटर करती हुई इसके भी अच्छी कोशिश लगे पड़े हैं। और गाइस ट्रैक साउंड सुनिए, ध्यान दीजिए आप लोग ट्रैक साउंड पर। बाकी गाइस अनाउंसमेंट तो एकदम रियलिस्टिक वाला फील दे रही है गेम में। गाइस स्पीड लिमिट हमारा 65 किलोमीटर पर आवर का है, लिमिट दिया गया है अभी हमारा। और गाइस ये ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है। गाइस वीडियो को स्टार्टिंग में कहते हैं क्रॉसिंग देखने मिल चुकी है। तो गाइस इस क्रॉसिंग के लिए आप लोग वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। और हाँ गाइस, आपको मैं इस रूट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गाइस ये रूट को बनाया गया है ट्रेन गेट वाला के एकदम से रूट ओनर है। ये पूरा करेक्ट उनको जाता है ट्रेन गेट वाला को। तो गाइस इन्होंने हमको ये रूट प्रोवाइड किया, उस पर हम खेल रहे हैं रूट। थोड़ा थोड़ा प्रभाव इंक्रीज करते हैं। गाइस नीचे आप लोग तो ट्रैक में आए रहोगे व्हील्स लिख के। तो आज हॉर्न देते हुए गाइस अपनी लिखी एक्सप्रेस डिपार्ट करके छपरा जंक्शन से। तो गाइस अगला हमारा स्टेशन तुम्हें कौन सा होने वाला है, अभी पहली बार रूट खेल रहा हूँ पर मुझे कुछ पता नहीं है अभी तक। गाइस ये जो कोचिंग है गाइस ये बनाए हैं रंजन प्रोडक्शन की तरफ से। बाकी गाइस ये जो पीछे स्लीपर कोच जा रहे हैं और पेंट्री का आ रही है। तो गाइस ट्रेन गेट वाला कई एडवांस से रखी हुई है, रिपेंट करके बनाए हैं। बहुत बहुत थैंक यू गाइस इनके एडवांस को हमें ट्रेन गेम में खेलने का इंजॉय करने के लिए। और गाइस स्टेशन साउंड गाइस मेरे को भी यहाँ तक सुना जरा पूरा क्लियर। पैसा मुझे आ नहीं रहा करने की, अभी आ रहे हैं कुछ देर में। आज ये कोच भी उन्हीं के रंजन प्रोडक्शन के द्वारा बनाए गए हैं ये कोच। और ये जो जनरल के स्लीपर हैं, चलिए गाड़ी में वह अंदर से होके आते हैं और देख अंदर बैठते हैं। इससे पहले गाइस आपको वेब 7 के अंदर इनसाइड व्यू दिखाते हैं।
आज आपने थोड़ा यहाँ से इंजॉय के लिए गाइस हमें स्पीड लिमिट इवन 105 किलोमीटर पर आवर का मिल चुका है और अभी टाइम गाइस हो रहा है दिन के 1:55। चलिए गाइस हम भी थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करते हैं। गाइस टैक्स बनाना शुरू हो चुके हैं, आप लोग टैक्स सुन सकते हैं। गाइस आगे वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस लिफ्ट की और उसकी जर्नी करने में। तो गाइस रियल वर्ल्ड में गाइस मैं जर्नी कर रखा हूँ, अगर आप लोगों ने जर्नी किया है तो आप लोग भी कमेंट में बताएं। गाइस जनरेटर कार का साउंड गाइस एकदम रिएक्टिव वाला फील आ रहा है एकदम। गाइस स्पीकर कोचेस है गाइस एलएसवी के। गाइस यहीं से यहीं रहते हैं हम पीछे तरफ, यहाँ से टर्शन में सही से आ रहे हैं एकदम। चलते हैं कैब इंटीरियर में। ये गाइस कोच है गाइस दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल कोच है ये। गाइस यहाँ से टर्शन में जरूर से आ रहे हैं। तो गाइस रूट देख सकते हैं गाइस कितना अच्छी तरह रूट बनाया गया है। टर्शन गाइस सुनिए कितने खतरनाक आवाज आ रहे हैं एकदम एकदम। गाइस ये रस्सी वाला फील दे देते हैं टैक्सन को। ऐसे अगर आगे चलते हैं मैं आपको अभी जनरल के डब्बे में ले चलता हूँ आपको। इस डब्बे में चलते हैं हम, तो देख सकते हैं कौन सा लोगों सब क्रॉसिंग हुई अपना देखते हैं, मैं कौन सा गाइस लोकल लगा था देख के आते हैं। गाइस ये ट्रेन बहुत तेज़ी से ओवरटेक करती हुई, यहाँ से क्रॉसिंग दिखाता हूँ आपको इस बार। यहाँ से क्रॉसिंग देखिए गाइस इस ट्रेन का वैग 9 के साथ गाइस उत्कृष्ट कोई एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है छपरा की तरफ। गाइस वीडियो शादी में गाइस आपको 2 या 3 क्रॉसिंग देखने को मिल चुकी है। चलिए गाइस फिर से अपने ट्रेन को पकड़ लेते हैं। गाइस कैबिन इंटीरियर में गाइस कोच देख सकते हैं गाइस कितना वाइब्रेट कर रहा है एकदम। गाइस एलएसवी कोच का एकदम 150 किलोमीटर और 150 तक हम स्पीड को ले जा सकते हैं कोच की स्पीड लिमिट इतनी है। बाकी गाइस ट्रैक्शन सुन सकते हैं आप लोग कितने हैवी वाले आ रहे हैं एकदम रियलिस्टिक वाले हैं गाइस, स्पीड को थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। यहीं से गाइस खड़े हो गए, यहीं से 2 व्यू सब मिला है। देखिए कैमरा में सब लेता हूँ, हाँ गाइस सेट हो चुका है कैमरा एंगल, आप लोग यहाँ से पैसा सुन सकते हैं। ये भी सही है गाइस, आप अपने फोन में गाइस हॉर्न देख रहे हैं सही है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप गाइस मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा आने वाला है। चलिए गाइस हम आगे देखते हैं, अभी हमारा सिग्नल तो पूरा ग्रीन दे रखा है और स्पीड लिमिट भी अभी हमारा 105 का है। हमारा नेक्स्ट डिस्टेंस मतलब कि अभी नेक्स्ट स्पीड लिमिट अभी आने में 2.5 किलोमीटर है, सिग्नल हमारा पूरा ग्रीन है गाइस 500 मीटर बाद भी। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कोच एकदम इलेक्ट्रिक वाले वाइब्रेशन हो रहे हैं। गाइस फिर से मेरा गाइस क्रॉसिंग देखने को मिल सकती है एक, आज ये कौन से लोग एल्को लोको है गाइस, एल्को लोको सब गाइस फ्रेट ट्रेन गाइस आज क्रॉसिंग है। गाइस हम भी कोई स्टेशन को स्किप कर रहे हैं लग रहा है, स्किप कर रहे हैं अभी हमें रुकना पड़ जाएगा लग रहा है। ये मैं स्टेशन का नाम देख कर स्टेशन है कौन सा गाइस, ये स्टेशन है गाइस फूल हॉल्ट, फूल हॉल्ट स्टेशन का कोई नाम है। इसके 2 व्यू ले चलता हूँ गाइस, नीचे देख सकते हैं आप लोग थोड़ा यहाँ से जाते से थोड़ा अभी लोड नहीं ले पा रहा है फ़ोन मेरा, यहाँ आपका ट्रैक अभी इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है, अभी इसी कुछ देर में फिक्स हो जाएगा, हो गया फिक्स गाइस।
अगर यहाँ से आप लोग टाइम सुनिए गाइस, और देखिए गाइस कितना कोच जैसे वाइब्रेशन कर रहे हैं एकदम व्यवस्थित वाले। और आज जींस के सामने एकदम आपको व्यवस्थित वाले आ रहे होंगे। बाकी वाइब्रेस साउंड को यहाँ डाल सकते हैं, हॉर्न देकर चलते हैं। थोड़ा स्पीड लिमिट कम लगाना पड़ेगा, स्पीड लिमिट का थोड़ा बाहर जा सकते हैं। तो बस एक बस मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ रेल पैनिक मोड में, यहाँ से कसम देखिएगा आप लोग। ये लोको जा रहा है WDP4D का इलियावादी, पता नहीं गैस कौन सी हम सफर एक्सप्रेस ट्रेन है गैस। ये इसका जनरेटर कार लगा था गरीब रथ का, ये गैस जा रही है छपरा की तरफ अभी। थोड़ा जब फुली एसी है हम सफर एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन लग रही है गैस, मज़ा आ गया ये वाला क्वेश्चन देख के मेरे को। तो आप लोग गैस कैसा लगा आप लोग कमेंट से बताएं। अभी हम गैस एक लाइव क्वेश्चन को पार करते हुए जा रहे थे राइट राइट साइड से ट्रक है, यहाँ पर सारे बिल्ले भी सब जा रहे हैं राइट, पूरा बहुत बड़ा जाम है भाई। ये तो भाई जैसा है सर रियल वर्ल्ड में राइट सेम ऐसे दिखाने की कोशिश की गई है गेम में भी। और यहाँ छोटा मोटा गाइड अंडर पास है हम सब क्रॉस किए, और यह चलते हैं हम यहीं रहते हैं इस तरफ में, यहाँ से ट्रैक्शन को इंजॉय करते हैं आते थे अपने हम डोर भी में। अगर हम हॉर्न देते हुए निकलते हैं आराम से भी, स्पीड लिमिट हमारे जैसे 5 का है, फिर भी हम इसे 10-8 तक जा सकते हैं। और ये देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कब तक आता है। अभी अगर आपको ये जर्नी इंजॉय कर रहे हो ना आप लोग, बस फैसला सुनिए गाइस आप लोग कितने फील रियलिस्टिक वाली फील आ रहा है एकदम। तो गाइस जल्दी से मेरा आ चुका है, लग रहा है मुझे ब्रेकिंग करनी पड़ी है थोड़ी बहुत। तो गाइस ब्रेक में फुल अप्लाई कर देता हूँ और आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं कौन सा सीन आने वाला है अभी। अगर अभी हम स्टूडियो के अंदर में गए जब पैसा सुन सकते हैं गए आप लोग, क्या ही खतरनाक वाले यहाँ चालू हो चुके हैं। सिग्नल हमारा अभी येलो हो गया, तो गाइस अपना बात से बने गाइस जो लिटरली एक्सप्रेस गाइस ये रेगुलर लिंक है आप लोग वैसे पता ही होगा जो रेगुलर ट्रैवल करते होंगे। स्पीड लिमिट के अंदर में आ चुके हैं, देखने ये गाइस कि हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आता है और हमें यहाँ पर कितनी देर रुकना पड़ेगा गाइस कोई पता नहीं है मेरे को गाइस। अभी यहाँ पर ये रूट वाइज मैं पहली बार खेल रहा हूँ अभी पिछले एस्पेक्ट के साथ एक्टिविटी के साथ। तो बस अभी 2.5 किलोमीटर बाद हमारा रेड सिग्नल है, तब स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके चल सकते हैं। बाकी गाइस आप लोग उत्तराखंड वगैरह से आ ही रहे होंगे। ऐसे कोच के इंटीरियर दिखेगा कितने रियलिस्टिक वाले फील डिजाइन कहे गए हैं। गाइस बस दिक्कत अभी ये यहाँ पर थोड़ी है कि यहाँ पर आपको नेम बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा, जो ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन का नेम बोर्ड होता है वो देखने को नहीं मिलेगा आपको बस। और चलते गाइस इस वाले कोच के हम डोर में चलते हैं, यहीं से ट्रैक्शन इंजॉय करते हैं। और गाइस ऐसा उनका आपको हॉर्न कैसे लगेगा गाइस, बाकी अगर आपको
बाकी आज अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा स्पीड पावर इंक्रीज करते हैं गाइस, अभी लगभग 2 किलोमीटर गाइस हमारा रेड सिग्नल। तो गाइस आपको देख सकते हैं यहाँ से गाइस ये हो गया चला, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है गाइस। पता नहीं क्यों गाइस थोड़ा ज़्यादा फिर ज़्यादा लग रहा है, हाई ग्राफिक्स का वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है हाई ग्राफिक्स वाले। तो गाइस मेरे ख्याल से गाइस अगला स्टॉप इसका सोनपुर या हाजीपुर आने वाला है, मेरे गाइस सोनपुर लगता है इसका छपरा के बाद इसका नेक्स्ट स्टॉप सोनपुर ही होता है। चलिए गाइस मैंने अंदर से बोला, अभी देखते हैं कौन सा स्टॉप होता है अपना अभी। बाकी गाइस जब तक आप यहाँ से ट्रैक सुन इंजॉय कीजिए, 1.6 किलोमीटर दूर रह गया अपना रेड सिग्नल, शायद से मैं कोई स्टॉपेज होगा गाइस पक्का हमारा यहाँ पर। जब तक गाइस आप लोग ट्रैक सुन को इंजॉय कीजिए अभी यहाँ पर, और कोच वाइब्रेशन गाइस देख सकते हैं आप लोग कितना रियलिस्टिक वाला दिखाया गया यहाँ पर। ये सारे एडवांस गाइस प्रोवाइड किए गए हैं गाइस ट्रेन जडवाला ने, जो कि इनका सेकंड चैनल है, और इनका फर्स्ट चैनल है इंडियन रेलवे CNV बिलो स्लिप, इस नाम से इनका फर्स्ट चैनल है। ट्रैफिक के स्पीड से जा रहे हैं हम, ताकि आप लोग ट्रैफिक को एंजॉय करते रहिए। चलिए हम केबिन इसके सीटिंग आ चुके हैं सीट पे गाइस, इसी इस सीट को क्या बोलते हैं गाइस जरा आप लोग कमेंट बता सकते हैं, इस तरह की सीट जो है इसको क्या बोलते हैं। ये सब तो गाइस नॉर्मल स्लीपर वाले कोच है, फिर भी लोअर और मिडिल और अपर बर्थ बोल सकते हैं, इन सीट को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट से जरूर बताएं। सीट को गाइस हम साइड पर बोलते हैं, और नीचे वाली सीट को गाइस ये पता नहीं क्या बोलते हैं। बाकी गाइस मेरे को अनाउंसमेंट सुनाया दे चुका है यहाँ से कौन सा स्टेशन है गाइस, देखते हैं बाहर निकल के जरा इस तरह से देखते हैं, सीट को गाइस मेंटेन रखना पड़ेगा। और आज देखें ये गाइस अपनी ट्रेन तो बहुत लंबी हो रखी है, जरा कोशिश गिन के आते हैं गाइस, ट्रैक साउंड गाइस की तरफ कहना चालू हो चुके हैं रील स्लिप के साथ। गाइस स्टेशन कौन सा है गाइस नाम देखते हैं, जरा ये गाइस सोनपुर स्टेशन है गाइस, छपरा के बाद गाइस सोनपुर स्टेशन आता है जो कि इसका मेन स्टॉपेज है HV एक्सप्रेस का। और गाइस राइट साइड में गाइस LSB की ट्रेन की खड़ी है, गाइस जरा कोशिश गिनते हैं गाइस इसमें कितने कोशिश लगे हैं, मेरे ख्याल से गाइस बहुत बड़ी ट्रेन लग गई अपनी तो। स्पीड वगैरह चलने का ट्रेन अपनी आग लगा ट्रेन को हम रोक देंगे। बाकी गाइस ये एक कोच नंबर 1 है गाइस जनरल का, एक कोच लगा है कोच नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक प्लस जनरेटर कार। तो गाइस अपने 18 कोच लगे हैं, वो एक 18 और एक 19, 20। तो गाइस टोटल गाइस अपने पूरी ट्रेन 20 डब्बों की है जनरेटर कार को मिला के, इसमें गाइस जनरल कोच भी हैं, स्लीपर कोच भी हैं, और फर्स्ट क्लास AC कोच भी हैं। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस इस गेम में गाइस यहाँ गाइस OES वगैरह दिख नहीं रही है, फिर भी गाइस ये बैक साइड लोकोमोटिव चल रहा है ना, गजब की बात गाइस। क्या ही गाइस रूट में आएगी हम लोग करेंगे हम, वैसे आप ट्रेन को हम लगे यहीं रोक देते हैं थोड़ा और आगे जाके बस ब्रेकिंग कर देते हैं।
बस गाइस थोड़ा भैया थोड़ा हम तो इसे उतर जाते हैं अगर ट्रेन को हम रोकते हैं तो आप लोग जरा ब्रेक साउंड सुनिएगा अगर आता है तो। बस हम ट्रेन को यहाँ पर रोक दिए पैसेंजर बोर्डिंग हमारा ऑन हो चुका है तो वह देखते हुए हमें पैसेंजर कब तक मिलता है यहाँ पर। गाइस बहुत देर हो चुकी है गाइस सिग्नल मिले हुए गाइस इस ट्रेन का सिग्नल मिल चुका है। देखते हैं ये ट्रेन भी पार्ट तो पड़ती है इसका लोकोमोटिव कौन सा लगा है गाइस WDM 3D होगा पक्का। हाँ गाइस WDM 3D है राजधानी एक्सप्रेस के साथ ये भी इसका लक्ष्मी कोशी लगे हैं क्योंकि स्टैटिक खड़ी है ऐसे ही है। गाइस देखते हैं ये हमें सिग्नल कब मिलता है। मेरे ख्याल से गाइस लग रहा है कोई ट्रैक में यहाँ पर सिग्नल सिस्टम में कोई दिक्कत होगी गाइस। मैं ज़रा यहाँ से शोर जंक्शन वाले को ऑन कर लेता हूँ और देखता हूँ गाइस अपने को ट्रैक में कोई दिक्कत आ रही हो जिससे हमको सिग्नल नहीं मिल रहा हो। यहाँ गाइस दिक्कत लग रही है। हाँ गाइस बस यहीं दिक्कत थी ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रैक चेंजिंग सिस्टम के साथ वर्क नहीं कर रहा होगा। चलिए गाइस हम यहाँ से अब डिपार्ट करते हैं लंबा सा हॉर्न देके। गाइस ये था WDM 7 का पहला हॉर्न और दूसरा हॉर्न ये था। चलिए अब डिपार्ट करते हैं। यहाँ से गाइस आप लोग नज़ारा देखिए ट्रेन का डिपार्चर करते हुए लिफ्टी एक्सप्रेस का। तो गाइस यही एक ट्रेन है गाइस जो कि आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी तक जाती है गाइस वही पूर्वांचल के सारे जिले को कवर करती हुई। पटरी का जल्दी से इंक्रीज करते हैं सिग्नल पूरा ग्रीन है। अभी अगर आपको व्हील साउंड गाइस सुन सकते हैं आप लोग व्हील स्लिप साउंड भी आ रहे हैं। गाइस देखते हैं हम जल्दी कहाँ तक कवर अप कर पाते हैं। वैसे ये रूट गाइस मुजफ्फरपुर तक के आगे का भी है मतलब ढोली कहाँ तक बोल तो समस्ती। हाँ गाइस समस्तीपुर तक का रूट है वैसे तो ये अपनी ट्रेन जाती है सीतामढ़ी तक। गाइस यहाँ थोड़ा बग हो गया गाइस लग रहा है अपने बाकी कोशिश दिखा नहीं पाए गाइस वैसे तो दूर से होते हुए आता हूँ। हाँ गाइस थोड़ा बग फिक्स हो गया थोड़ा बग गाइस होता है गाइस पुराना अच्छा गाइस थोड़ा डिवाइस में थोड़ा ग्राफिक्स थोड़ा कम कर रहे हैं। इस समय स्पीड गाइस 105 का मिल चुका है जल्दी से स्पीड को हम सेट करते हैं। आपको फुल स्पीड का एक्शन देखने को मिलेगा। गाइस ये वाले आप लोग ट्रैक चेंज सुनिए इस वाले कोच के अभी जो हमारे गाइस ट्रैक चेंज भी हो रहा है। ये वाले गाइस कुछ कोच कुछ गाइस ज़्यादा डस्टी वाले डिज़ाइन किया गया है दे सकते हैं नीचे आप लोग थोड़ा डस्टी वाले कोच हैं। और गाइस व्हील एनिमेशन देखिए गाइस कितना रियलिस्टिक वाला है व्हील एनिमेशन। और गाइस ट्रैक देखिए कितने रियलिस्टिक वाले डिज़ाइन किए गए हैं ट्रैक चेंजिंग ये देखिए। और गाइस ब्रेक पाइप का भी और जॉइंट पाइप का भी एकदम रियलिस्टिक डिज़ाइन है। बाकी गाइस देखिए कितना हाई ग्राफिक्स का रूट है और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होगा। गाइस ट्रेन को मैं थ्रॉटल पूरा फुल कर दिया है आगे जल्दी से हम स्पीड को अचीव करता है 105 का लिमिट दिया लेकिन फिर भी गाइस को हम इसके आगे जाएंगे स्पीड को तोड़ते हुए। ये गाइस अपनी प्रीमियम ट्रेन तो है एक तरह से इसलिए गाइस 140 तक तो स्पीड चला अचीव करते हैं एक बार। चलिए इस वाले कोच में गाइस बैठते हैं।
इस वाले में बैठे या फिर इस वाले में, बोलो बस कौन से वाले को बैठते हैं, इसी वाले को से बैठते हैं। अगर हम इस तरफ करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको राइट से जाना है, तो हम जाए तक कार से होते हुए यहाँ स्विच कर देंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। बाकी आज एक स्टेशन स्किप करते हुए जा रहे हैं हम, क्योंकि हॉर्न देते हुए निकलते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है शायद हाजीपुर होगा, सोनपुर तक हम क्रॉस कर चुके हैं। बाकी आज देख सकते हैं ट्रेन अपनी कितनी शार्प कर पर जाती हुई, अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये थोड़ा बग दिखा रहा है अभी यहाँ पर, कोई नहीं, आपको यहाँ से दिखाता हूँ कितना शार्प कर पर है। यहाँ से देखिए आप लोग कितनी शार्प कर पर जाती है अपनी, देखिए स्ट्रेच। और गाइस बस सब दिया कितना देर का स्टेशन है आप देख सकते हैं। सिग्नल गाइस येलो मिल चुका है, गाइस सिग्नल रोकना पड़ेगा गाइस, सिग्नल सिग्नल गाइस में ध्यान नहीं दिया, देखते हैं क्या होता है। ट्रेन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है गाइस, देख सकते पूरा ट्रेन अपनी एस बनाते हुए जा रही है एकदम। गाइस थोड़ा यहाँ पर ट्रैफिक से थोड़ा बग आ रहा है, हो गया फिक्स इशू। गाइस देखना ये गाइस ट्रेन अपनी रुक पाती है कि नहीं, गाइस मुझे लगता नहीं कि रुक पाएगी गाइस, शायद रुक जाएगी गाइस, रुक जाएगी चार पार में गाइस। ट्रेन को गाइस स्पीड दिया कम लग रहा है, या कोई क्रॉसिंग ट्रेन गाइस मिलेगी हमें लग रहा है, स्पीड कम मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा स्लो भी जा रहा है वो भी नहीं गाइस। ये गाइस ट्रिप देखिए गाइस कितने रिजास्टिक डिजाइन किया गया है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं सिग्नल पूरे डबल येलो डबल येलो डबल येलो डबल येलो, चारों सिग्नल पर गाइस डबल येलो सिग्नल है, और आगे वाला सिग्नल भी हमारा डबल येलो येलो सिग्नल। कोई नहीं, इतनी स्पीड में चलते हैं हम, इतनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। बाकी हमारा वो कोच कहाँ गया, ये तो जनरल का कोच है, हम चलते हैं अपने एसी वाले कोच के इंटीरियर और डोर व्यू में। ये रहा डोर व्यू, अगर यहीं से आप लोग ट्राई फ्रंट को भी इंजॉय करिए, तो शांत हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। पहले आपको ट्रैफिक थोड़े काफ़ी कम आ रहे होंगे, लेकिन जी स्पीड साउंड ज़्यादा आ रहा होगा, वहीं पर अपनी ट्रेन का रुका देते हैं, देखते हैं हमें नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन सा है। भाई वेब सेवन क्या है, वेब सेवन पर देखिए गाइस कितना डस्ट हो रखा है, वेब सेवन का वेब पी सेवन साइड फोन के साथ गाइस, मेरे ख्याल से यही इसका रेगुलर लिंक है, मेरे गाइस पक्का पक्का कन्फर्म है यही इसका रेगुलर लिंक होता है। और ये कोच है गाइस डी एल डब्ल्यू द्वारा बनाया गया है, लालगुड़ा स्टेट का वेब पी सेवन। और ये जनरेटर का भी गाइस राजन प्रोडक्शन के द्वारा बनाया गया है, और ये जनरल जनरल कोच भी गाइस, ये कोच मेरा मतलब रियलिस्टिक वाले लगे, बस दिक्कत गाइस ये है कि आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर ये कोच गाइस ट्रैक से थोड़ा बाहर जा रहा है, बस ये दिक्कत लग रही है। ये थोड़ा मेंटेन किया होता गाइस मज़ा आ गया था, लेकिन मैंने गाइस अपने हिसाब से फिर भी कोच पर डिज़ाइन किया है, एकदम बेटर है। गाइस छोटा थोड़ा और इंक्रीज करते हैं गाइस, 400 मीटर हमारा दूर रेलवे सिग्नल है गाइस, आपने कुछ ध्यान दिया गाइस, ये यहाँ से अपना ये चालू हो चुका है और ये चला रहा कनेक्शन। और आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, तो गाइस अभी आपको आगे बहुत मज़ा आएगा, अभी वीडियो में शायद इसकी पार्ट टू लाने की कोशिश करूँगा मैं, इसकी पार्ट टू भी दिखाऊँ मैं इसको। ये जा रहा है अपना एसी फर्स्ट कोच, स्पीड लिमिट का अंदर करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर हमारा गाड़ी रेड सिग्नल है, इसलिए कुछ को पकड़ते हैं हम। गाइस सुन रहे गाइस कितना मेलोडियस सॉन्ग है, आपने तो सुना अभी, गाइस आप लोग यहाँ से ट्रैक्शन सुनिए, एकदम रियलिस्टिक वाला फील आ रहा है।
1.4 किलोमीटर दूर रहेगा जितना रेड सिग्नल जब तक आप लोग प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। गाइस स्पीड को हम इतनी मेंटेन कर चलते हैं गाइस, हमें सामने रोकना भी है, ज़्यादा स्पीड के गाइस ट्रेन में रुक नहीं पाएगी। तो गाइस इसके अंदर देख सकते हैं गाइस, मैं इसको इसके अंदर आकर दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं गाइस वो इधर, ये गाइस मिरर दिखाया गया कितना रियलिस्टिक वाला, यहाँ मिरर भी है गाइस। बाकी गाइस मैं इस गेम में जो भी एडवांस दिखाता हूँ मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, मैं इनके ऑनर को मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी इनके कोच के ऑनर है। तो गाइस अगर आपको भी ये रूट ट्राई करना है तो आप लोग ट्रेन जेड वाला के यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट जा सकते हैं और वहाँ से वीडियो को देख के उनके रूट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया रूट्स लेके आते हैं, मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो डाली है रूट्स की और फ्री वे रूट से गाइस एकदम। गाइस बस 700 मीटर दूर है गाइस मेरा सिंगल, चलते गाइस जरा रास्ते में क्या कैब में, अब बहुत है गाइस, हम बाहर बहुत थे, अब चलते रास्ते के अंदर देखते हैं उससे पहले कौन सा स्टेशन आई है, गाइस स्टेशन का नाम भी नहीं लिखा यहाँ पर, गाइस स्टेशन का नाम लिख दिया होता यार पता लगा था ना स्टेशन कौन सा है। आगे देखता हूँ गाइस किस स्टेशन का नाम आगे लिखा हो, बाकी गाइस थोड़ा में थोड़ा कम कर देता हूँ गाइस, स्पीड आने वाली है एकदम, क्या गैप था उनका देख देख सकते हैं गाइस, व्हील्स भी पूरे अभी यहाँ पर स्लो स्लो ट्रेन आती हुई गाइस। गाइस स्टेशन का नाम पता नहीं कर पा रहा गाइस क्या है, एक मिनट रुकिए गाइस जरा मैप देख बताता हूँ मैं आपको स्टेशन का नाम कौन सा है। गाइस जंक्शन का नाम गाइस यहाँ दिखा नहीं रहा गाइस, ट्रैक मार्क लिखा है बस, कोई नहीं गाइस हम चलते हैं, ये रहा गाइस जनरल कोच के इंटीरियर में आए थे अभी, अभी चलते हैं वेब जोन के इंटीरियर में, यहाँ से अपने ट्रैक में ड्राइव करते हैं। और गाइस ये कैब कंट्रोल दे सकते हैं गाइस, और ये विंडशील्ड भी एकदम रियलिस्टिक वाली दिखाई गई है यहाँ पर, और स्पीडोमीटर है गाइस, और ये थ्रॉटल है, ब्रेक्स है, अरे कुछ लीवर्स वगैरह हॉर्न है, एमरजेंसी ब्रेक है, ये है थ्रॉटल गाइस अपना, और ये रेल नीर का बोतल है गाइस, और ड्राइवर यहाँ कोई है ही नहीं, ड्राइवर के लिए गाइस यहाँ 2 सीट दे रखी है, और ये ट्रेन जेट का लोगो है गाइस, जेट सिग्नल आने वाला है, बस हमको यहाँ ट्रेन को और थोड़ा रोकना पड़ेगा आगे जाके, मैं कहते हैं मेरे को क्रॉसिंग जैसे मिलेगी लग रहा है। गाइस ट्रेन आज पूरी एंटर हुई कि नहीं गाइस, अभी एंटर नहीं हुई पूरी, और थोड़ा ट्रेन को स्लो करते हैं गाइस, जल्दी एंटर हो जाए यार पूरी ट्रेन हमारी, अरे बहुत लंबी ट्रेन है गाइस अपनी, अच्छे टाइम ले रही है एंटर होने में, कोई नहीं गाइस एक बार ट्रेन को अपनी एंटर जान दीजिए बस, फिर ट्रेन को हम रोक ही देंगे बस, गाइस ट्रेन अपनी एंटर हो चुकी है, और आगे जाके रोक देंगे रेड सिग्नल के पास में, वैसे ना कैबिन ट्रेन में आते हैं एक बार और रोक देते हैं बस गाइस, यहीं ट्रेन को रोक दिया हमने। गाइस दूसरी एस एस ओ गाइस लूप किया गया है मेरे ख्याल से किसी क्रॉसिंग के लिए, चलिए आगे देख आते हैं गाइस सिग्नल का क्या हाल चाल सिग्नल का। फिर मैं ऐसे देख लेता हूँ स्टोर जंक्शन ओवरलेस करके, लग रहा है कोई आगे दिक्कत है गाइस ट्रक चेंजिंग का, और गाइस लेवल क्रॉसिंग देखिए कितना रियलिस्टिक डिज़ाइन किया गया है, देखते हैं गाइस यहाँ क्या दिक्कत आ सकती, क्या दिक्कत है यहाँ पर, गाइस हमें सिग्नल मिलने जा और हमें लूप लाइन पे किया गया है,
दिखता क्यों नहीं यार, कोई ट्रेन तो दिख नहीं रही यहाँ पर अभी कि हमें कोई क्रॉसिंग देखने मिल जाए, ये भी नहीं है यहाँ पर अभी। तो गाइस ये रूट में थोड़ा सा आपको बग देखने मिल जाएगा या इशू है रूट का ही कभी, या आपको भी कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता था, आप लोग खुद से मैं टैक्सी लगाना पड़ता है, लेकिन आगे देख के आगे ट्रेन भी खड़ी हो सकती है एक। गाइस यहाँ पर कोई ट्रेन तो गाइस खड़ी है नहीं लग रहा है अभी, फिर भी ज़्यादा सिग्नल पूरा रेड दिया पड़ा है। देखता हूँ गाइस फिर से आगे क्या अब तक ग्राफिक्स लोड नहीं ले पा रहा हो, दोबारा शो ना कर पा रहा हो ट्रेन को, अगर मैप में देख लेता हूँ एक बार, मैप में पूरा रास्ता क्लियर है तो गाइस खुद से हम ट्रैक चेंज करके निकलते हैं। फिर गाइस अपने रास्ते पास पूरा क्लियर है गाइस, गो ट्रेन देखने को मिल नहीं रही अपने को, सीधा अपना नेक्स्ट स्टॉप जाना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट स्टॉप पर सीधा अपना देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा हो सकता है। मैं शायद गाइस हाजीपुर होगा गाइस, मैं यशवंतपुर गाइस हम लीव कर चुके हैं गाइस, देखते हैं पहले यहाँ से रेड सिग्नल का इलाज करते हैं, रेड सिग्नल ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, फिर गाइस का डिपार्ट करेंगे हम यहाँ से। गाइस यहाँ पर कोई ट्रेन दिख नहीं रही है, बोले तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के सिग्नल पे रेड सिग्नल दिखा रहा है, क्या करें गाइस समझ नहीं आ रहा यार, सिग्नल तोड़ कर निकल सकते हैं आगे, चलिए यही करते हैं वीडियो में, इतने ही मिलते हैं पार्ट टू के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।